वार्ता बाणू संवत 1983 फागण वद तेरस पछी बापाश्री सभा में पधार्या त्या वचनामृतनी कथा वंचाती हती। ते प्रसंगे वात करवा लाग्या जे जेने श्रीजी महाराजनु सुख अंतरमा वर्त्यु तेने सर्वे पदार्थ तुच्छ थई जाय छे, माटे महिमा बहु समझवो। जेम गोड साकरनु मोटू पात्र भर्यु होय तेमाथी कीड़ी केटलुक खाय पण मनमा जाणे जे आखो पात्र लई लो पण ते तेनाथी लेवाय नहीं, तेम श्रीजी महाराजनी मूर्तिनु सुख अपरंपार छे, तेनो अनादि महामुक्त पण पार पामता नथी, एवो सुख छे। जेम हीरो तथा चिंतामणि घर में राखी होय पण तेनी किंमतनी खबर पड़ती नथी, ते तो जारे किंमत करनार मळे त्यारे पड़े छे। तेम जीव पंचभूतना देहनो त्याग करीने पुरुषोत्तमना साधर्म्यपणाने पामशे त्यारे गति पहुंचशे। आज श्रीजी महाराजनो साक्षात्कार करावनार बैठा छे, आपने तो अलभ्य लाभ मळ्यो छे, तेथी अंतर ठरीने हीन थई जाय छे। जीव महाराजने तथा मोटा मुक्तने संभारे तो तरत शांति थई जाय। 100 गाव ऊपर होय अथवा 1000 गाव ऊपर होय पण तेनु तेने बळ आवे छे, तेवो मोटा मोटा सद्गुरुनो अभिप्राय छे। आवो अभिप्राय अंतरमा उतारे तो त्रिविधना ताप टळी जाय। आवा शब्द पात्र विना झीली शकाय नहीं। कस्तूरी होय त्यांथी कस्तूरीनी सुगंध आवे, तेमाथी बीजी आवे नहीं। आ सत्संग करिए छीए ते माहेली कोर करोड़ पड़ रहा छे, ते जेम जेम ऊंडा उतरीशु तेम तेम अपारपणू जणाशे। 32 अक्षरनी विद्या कोईनो कागळ वाचता होय त्यारे साची मनाय छे। ते मोटा सद्गुरु जे जे कही गया अने जे जे वात करे छे तेमा विश्वास राखवो। जेटलो विश्वास न आवे तेटलो नास्तिक भाव। आपणा संप्रदायमां 32 लक्षणवाळा संत कहेवाय छे। ते अक्षरधामनी खबर लावे तेमा काई नवाई नथी। मोटा अनादि मुक्त साथे मन बांध्यु होय तो तेने ठेठ पुरुषोत्तम भगवान ने मेळवी दे, अने जे पुरुषोत्तम भगवान नो विश्वास राखीने मंड्यो होय तेने भगवान मोटा मुक्त नो जोग मेळवी दे। माया छे ते सुलभा छे, ने मोक्षार्थी जीव छे ते विदेही छे एम जाणवो। मोटा मोटा सद्गुरु हता ते पोते सदा मूर्ति मा रहता अने कथा वार्ता करता। वळी श्रीजी महाराजना संकल्प भेड़ो संकल्प मेळवीने हजारों लाखों जीवने सुखिया करी मुकता। खंडियो राजा होय तेने बीक रहे, पण चक्रवर्ती राजा होय तेने कोईनी बीक होय नहीं। ते महाराज स्वतंत्र छे अने अनादि मुक्त पण स्वतंत्र छे। आ सत्संगमां चीथरे वीट्या रत्न छे, ते समागम करे त्यारे खबर पड़े। क्या पुरुषोत्तम भगवान ने क्या तेमना अनादि मुक्त, तेमनो मेड़ाप क्यांथी थाय, आ तो बहु भारे वात छे। श्रीजी महाराजनो अवतार केवल कृपा साध्य छे, तेमना अनादि मुक्त आपणने मळ्या ते पण कृपा साध्य। कीड़ी कुंजरनो मेड़ाप जीवन जाणू छु एवो छे। समुद्र ने ठेकाणे महाराज छे, गंगाजी ने ठेकाणे महाराजना मुक्त छे, धराना पाणी ने ठेकाणे साधन दशावाळा छे। ते सिद्ध दशावाळा मुक्त ने जोगे करीने श्रीजी महाराजनी मूर्तिरूप समुद्र ने पामे छे, त्यारे सर्वे सजाती थाय छे। पछी वृषपुरना प्रेमजी भाईए पूछ्यु जे बापा तेनी विलक्षणता केम जणाय, त्यारे बापाश्री बोल्या जे गंगा वगैरे जळमांथी मोती निपजे नहीं, ने समुद्रमांथी मोती निपजे, तेम
सर्वे महाराजनी मूर्तिना सुख भोगताए करीने भारे भारे सुख ले छे। ते सुख मोती ने ठेकाणे छे, पण गंगा जीना पाणी माथी ए निपजे नहीं। तेम सजातीपणे एक सरखा जणाय, पण सुख भोगताए करीने विलक्षणपणुं छे। महाराज तो सौने अभय सुख आपी दे छे, ए सुख लेवाने त्वरा करवी। मोटा हाथ जाले छे ते मुक्ता नथी, एक नावमां बैठा ते सर्वे साथे उतरी जशे। एक नाव वाळो जुदो पड़े नहीं, मोटाने विषे विश्वास न आवे ने तर्क रहे तो जाणीए जे जुदा नावमां बैठो। कोई वात झीणी होय अने ते समझाती न होय तो एम जाणे जे आ वात छे तो साची, पण मने समझाती नथी तो तर्क न कहेवाय। महाराजनी मूर्तिने विषे मुक्त रह्या छे ते महाराज रूप कहेवाय, एवी रीते समझे तो निस्तर्क थयो जाणवो। त्यारे जाणीए जे संपूर्ण विश्वास आवे, जेटलो तर्क करे तेटलो सुखमां फेर छे। मोटा मुक्त जे जे वात करे तेमां महाराजनो मुख्यपणू आवे एवो मोटानो सिद्धांत छे। तेथी ए पोतानी मोटाई तो जणावे ज नहीं, केम जे एमने तो एक मूर्ति ज छे। एवा अनादि मुक्त श्रीजी महाराजनी मूर्तिमां अनंत रह्या छे, ते तो ए मूर्तिनो ज सुख ले छे। महाराजना संकल्पे अहीं देखाय छे तो पण ए तो छे एमने एम छे। पोते पोतानो यश के चमत्कार कोईने जणाववा इच्छता ज नथी। महाराजना अपार सुखमां पोते लुप्त रहे छे अने समर्थ थका झरणा करे छे। श्रीजी महाराज जेटलू करे तेटलू मोटा मुक्त करे, केम जे ते तो सदाय मूर्तिमां रसबस रह्या छे अने कर्तापणू महाराजनू छे। जेथी जे मुक्त द्वारे धारे तेटलू श्रीजी महाराज बतावे। आ लाभ मळ्यो छे ते फोगट जावा देवो नहीं। आज्ञा उपासना अने आवा मोटा मुक्तनो महिमा समझाय ए शरद ऋतु गणाय। मोटाना शब्द छे ते श्रीजी महाराजनी मर्जी विना पड़ता नथी। जेम जेम महिमा समझातो जाए तेम तेम सुख वधतु जाए। आपणने अत्यारे खरेखरी शरद ऋतु मळी छे एम जाणो। श्रीजी महाराजनी मूर्तिमां रसबस क्यारे रहेवाय? तो ज्यारे देहना सुख दुखने न गणीने कारण उपर नजर राखे त्यारे। माटे कार्य उपर नजर राखवी नहीं। महाराजने सर्वोपरि समझवा, बीजाने सौ सौना स्थाने राखवा। महाराजनो बांधेलो संप्रदाय तेमनी पुष्टिमां रहिए तो महाराज राजी थाय, ने जो तोड़ाए तो महाराज कुराजी थाय। माटे जे करशे ते भोगवशे, बीजा कोईना हाथमां हुकम नथी। कारण मूर्ति विना मोटाई बधी आ लोकनी छे। पछी बोल्या जे प्रसन्नताना साधन जे करी रह्या होय तेने आवरदा होय तो पण महाराज देह मुकावीने मूर्तिना सुखमां लई जाय, अने एवो न होय तेने आवरदा न होय तो पण राखे। वार्ता 92 पूर्ण।